और जितने मेंबर पर बैठे हैं उनसे पूछिए, और अभी मैं गाड़ी से आ रहा था, इन अहबाब से भी पूछिए कि कितनी तारीखें उस दरमियान, कम से कम 3 तारीखें ऐसी हैं जिनको मैंने मना किया, और मगरिब से लेकर अब तक 4 से 5 तारीखें मैं दे नहीं पाता हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल ऐसा है, मगर एक बात याद रखिएगा, चनाब कभी अगर अंधेरा है तो बरेली के इस खत्ते में मैंने बहुत सी जगह देखा है कि चनाब तले अंधेरा जो एक मुहावरा बोला जाता है उसका बहुत असर नज़र आता है। और मैं कोई बिहार बंगाल का नहीं हूँ, मेरा आबाई वतन भी बरेली शरीफ ही है। मैंने आँखें इस दियार में खोली है और मैं एक ज़माने से देख रहा हूँ, मगर इतना याद रखिएगा ये आला हजरत का चमन है, इस चमन को न कभी लुटने दिया है ना लुटने देंगे। मस्जिद के अंदर प्रोग्राम हो और उस प्रोग्राम को अगर किसी वजह से मना किया जाए और उसकी कोई शरई वजह नहीं, तो एक ज़ाबता कुरान का फैसला मैं आपको सुनाई देता हूँ। कुरान कहता है वमन अज़लमु मिम्मना मसाजिद अल्लाही अन युज़्करा फीहा इस्मुहु, सबसे बड़ा जालिम आदमी वो है जो अल्लाह के घर में उसके जिक्र से रोक दे, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। सबसे बड़ा जालिम वो है जो पहले बारी की आयत करीमा है, आप भी पढ़ सकते हैं, तर्जमा भी पढ़ सकते हैं, उर्दू में किसी का भी तर्जमा उठाइए, तकरीबन सबके तर्जमे इस आयत के मसले में मिलते जुलते मिलेंगे। इसलिए जहनो दिमाग को बदले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं, और जिक्र करने के लिए किसी खास जगह की जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे दीवाने हैं कि हमें किसी गली में बिठा दो वहीं मुस्तफा का जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने कहा ना, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा है, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते हैं। अब कोई कहने लगा कि आला हजरत जब तक आपका
आपके दम में दम था तभी तक जिक्र सुनाओगे, नस्ल के लिए कुछ नहीं कहा। तो आला हजरत ने कहा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कदाए गिराते जाएंगे। अल्लाह ताला सारे अहले ईमान को, सारे अहले इस्लाम को अपने सलीम अता फरमाए, आमीन। और दीन को सियासत से बचाए, आमीन। जब दीन में सियासत घुसती है तो नुकसान होता है। अल्लाह ताला अपने खास फजल से आपके आने को और आपके बैठने को कबूल फरमाए, आमीन। अब अगर आप थोड़ा सा माहौल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह मैं कुछ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ और थोड़ी बहुत देर में आपसे गुफ्तगू करूँगा, चूंकि मुझे बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा कि आपके बराबर में जो मदरसा है हुजूर ताजुश्शरिया का मथुरापुरा, वहीं में पढ़ाता हूँ। समझ गए आप मेरे लिए पुराने नहीं है, नए नहीं है, और मैं आपके लिए नया नहीं। ये अलग बात है कि मुलाकात पहली बार हुई है। अब जितने बैठे हैं सब जिंदा दिल हो करके मोहब्बत के साथ नबी आले नबी पे दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें, पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारा मजमा दिल के मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम। सुन्नी का ये सेवा नहीं है कि उससे कहा जाए वो खामोश कर, सब पढ़े जरा मिलकर दुरूद व सलाम। बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहु रब्बो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अवसर में मैं काफी दिनों से थका हुआ भी हूँ, बस एक दो शेर पढ़ देता हूँ आवाज अगर साथ हो। लौ मदीने की तजल्ली से लगाए सबकी लगी है ना लो, और लगना ही चाहिए। मदीने शरीफ के लिए तो हम कहते हैं मैं हूँ सुन्नी, रहूँ सुन्नी, मरूँ सुन्नी मदीने में, आमीन तो बोलो। आमीन बकीए पाक में बन जाए तुर्बत या रसूल अल्लाह। लौ मदीने की तजल उसे लगाए हुए हैं, लौ मदीने को हम मत रहे अल्लाह बनाए हुए बड़ा नवाज से सुबह अल्लाह को हम मत रहे अल्लाह बनाए हुए नाम आते ही अब बकरो जो शिया पाए जाते हैं इनकी एक सबसे बुरी आदत यह है कि जैसे ही अबू बकर उमर का नाम आता है चढ़ जाते हैं, क्योंकि माज़ल्लाह मुसलमान मुसलमान ही नहीं मानते, और हम कहते हैं जो इनको मुसलमान नहीं मानता उसको मुसलमान। अरे बोलो है ना बात सच्ची, सरकार के दोनों यार अगर मुसलमान नहीं होंगे तो फिर कौन मुसलमान। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ना महबूब रब्बे अर्श है सब कुब्बे में पहलू में जलवा गा अतीको उमर की, नहीं समझे बात को। सब्ज कुब्बा यानी हरे गुंबद के अंदर सरकार तशरीफ फरमा है और हुजूर के बराबर में हुजूर के दोनों यार आराम कर रहे हैं, पहलू में चलवा ना अतीक अतीक हजरत अबू बकर का लकब है, और हजरत उमर को तो आप जानते हैं वो उमर जिनके आदा पे शहदा सकर। शहदा सकर का मतलब ये है कि हजरत उमर के दुश्मनों पे जन्नत कुर्बान नहीं है जहन्नम कुर्बान, पता चला को मिला करती है जो अबू बकर से प्यार करते हैं, उमर से प्यार करते हैं, उस्मान से प्यार करते हैं और मौलाए कायनात से प्यार। शायद ने बड़े अच्छे अंदाज बात किया, नाम आते ही अबू बकर का लब पे, ध्यान देना जरा,
की तरफ सुभान अल्लाह सोशल मीडिया पे न जाने कौन क्या क्या कहता चला जा रहा है, लेकिन सुन्नियत आप समझिए,
और ये सुन्नियत और इस्लाम है क्या, ये मैं किसी और से नहीं पूछता। चलो हजरत मौलाए कायनात के फरजंदे अर्जुमान, हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई, सैयदए कायनात फातिमतुज़्ज़हरा के लखते दिगर, मेरे नबी के नूर नजर हजरत सरकार सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह। आप बताइए सुन्नियत किस चीज का नाम है? तो आपने मेरे नबी अलैहिस्सलाम की एक पाकीज़ा हदीस तहरीर फरमाई, आपने जिक्र फरमाई रिवायत की, मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम हसन मुश्तबा हदीस के रावी है, सरकार ने इरशाद फरमाया लिकुल शैइन असास व असास इस्लाम हुब असहाब नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुब अहले बैतिही। तवज्जो फरमाइएगा, नौजवान भी गौर करे, बूढ़े भी गौर करे, बच्चे भी गौर करे, बहन बेटियां बाएं सब गौर करे, इसलिए कि सब सुन्नी है और हर सुन्नी को सुन्नियत समझना लाजिम और जरूरी है, ताकि कोई सोशल मीडिया के जरिए या घर घर आकर डर डगर डगर नगर नगर आकर घरों में बैठ कर आपके ईमान अकीदे पर लूट मार ना बचाए और आपको सुन्नियत के नाम पर बहकाने की कोशिश ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा करीब है, आप जब चाहे जिस वक्त चाहे समझने के लिए आ जाए, बेफजलही ताला दरवाजा खुला है। आज मैं खुद आपके पास आ गया हूँ, यूँ कहिए कि एक कुआं आप प्यासे के पास सैराब करने चला आया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरे लिए भी खुशी की बात है और आपके लिए भी खुशी की बात है। इमाम हसन मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिकुल शैइन असासुन, फरमाया हर चीज की बुनियाद है। इधर देखिए मेरी तरफ, हर चीज की बुनियाद है। आप ये दीवार देख रहे हैं, इसकी बुनियाद जमीन में है, अगर इसकी बुनियाद गिर जाए ये दीवार बाकी ना रहे, और दीवार ना रहे तो छत ना रहे। पता चला एक का दूसरे के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। सरकार ने दिखने वाली चीज के जरिए ला दिखने वाली चीज को समझाया और मेरे नबी ने फरमाया हर चीज की बुनियाद है, इस्लाम की भी बुनियाद है। किसकी बुनियाद? सरकार ने फरमाया इस्लाम की भी बुनियाद है। अरे आपका इस्लाम की क्या बुनियाद है, जरा तवज्जो फरमाए। हुजूर ने फरमाया हुब्बु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहले बैतिही, फरमाया इस्लाम की पहली बुनियाद यह है कि मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार किया जाए। ऐसे नहीं, अकीदे का इजहार अकीदत के साथ होता है, और जब अकीदत होती है तो आदमी लचल के बोलता है। बोलिए जरा मोहब्बत से। सरकार ने इस्लाम ने फरमाया इस्लाम की पहली बुनियाद हुब्बु अस्हाबिन नबी, मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करना। जल्दी बोलो क्या काम है? मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करना। अब कोई सहाबी नहीं बचा है, हजरत सैयदना मौलाए कायनात हो या हजरत उस्मान गनी हो, उमर फारूक आजम हो, सादो सईद हो, महाज मुहाफ़िज़ हो, इसी तरीके से सईद हो, सईद बिन सईद हो, हजरत साज बिन वक्कास हो, जितने भी सहाबा इकराम है, चाहे हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हुम हो, इन सारे सहाबा से प्यार करना हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। और सनउवा के सुन्नी मुसलमानों, इससे बात को जहनो दिमाग में बिठा लेना, अगर किसी ने किसी एक सहाबी की भी गुस्ताखी की है वो सुन्नियत से बाहर हो जाता है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए कि नबी फरमा रहे हैं इस्लाम की पहली बुनियाद क्या है, हुब्बु अस्हाबिन नबी, सरकार के सारे सहाबा से प्यार। सरकार के सारे सहाबा से बड़े खामोश, और दुकान वालों का हाल यह है कि वो बातों से फुर्सत ही नहीं है। बता दीजिए बंदा है खुदा, सुन लो थोड़ा थोड़ा, इतना तो आपको यकीन होगा कि मैं थोड़ा बहुत आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। डॉक्टरी की दुकान है क्या? आप जिस्म ठीक करते हो, आपके यहाँ जिस्मानियत ठीक होती है, मेरे यहाँ रूहानियत ठीक होती है। जिस्म से ज्यादा अहम रूहानियत है, इसलिए कि ईमान अकीदा ही अगर किसी का बर्बाद हो जाए तो बचाई जाएगा। पहली बुनियाद क्या है? ऊंचा बोलो, पहली बुनियाद मुस्तफा के सारे ऊंचा बोलो सारे सहाबा से प्यार करना। दूसरी बुनियाद बना दो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोहब्बत वाली बेटी, मुस्तफा के सारे घर वालों से प्यार करना। दो हो गए ना इस्लाम की।
वजह से कुरान मिला है लेकिन कुछ नहीं मानता, मेरी वजह से रहमान मिला है मगर कुछ नहीं मानता, मेरी वजह से इस्लाम का फैजान मिला है लेकिन कुछ नहीं मानता, मेरी वजह से तुम्हें कुछ ऐसा नबी अजीम शान मिला है लेकिन कुछ नहीं मानता, तो आपका मानते क्या हो? फरमाया मेरे घर वालों से प्यार करो, मेरे घर वालों से प्यार करो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा मन हा उला इल्लदीन वजबत अलैना मवद्दतुह, सरकार ये बताएं आपके वो घर वाले कौन हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब और जरूरी है। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हुम अलीकुम व फातिमतु व हसन व हुसैन, फरमाया उनमें पहला अली है, दूसरे फातिमा है, तीसरे हसन है, चौथे हुसैन। किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा अल्लाह अल्लाह नबी का घरा है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना भरा उल भरा है, हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा। आओ मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलो। सरकार अलैहिस्सलाम ने एक दिन मौला कायनात हजरत फातिमा हसनैन करीमैन से फरमाया, सरकार इरशाद फरमाते हैं ए फातिमा ए अली हसनैन हुसैन दोनों सुनो, हस हसन और हुसैन सुनो। फरमाया अना सिल्मुन लिमन सालमतुम व हरबुन लिमन हारबतुम, ए मेरे घर वालों सुनो, जिससे तुम सुने करोगे उससे तुम्हारा नबी भी सुने करेगा, जिससे तुम जंग करोगे उससे तुम्हारा नबी भी जंग करेगा। इसीलिए तो 1400 साल तकरीबन गुजरने वाले हैं, आज भी सारे सुन्नी इस बात को कह रहे हैं, हमने हजरत इमाम हसन मुस्तफा को देखा, आपने हजरत अमीन मुआविया के हाथ पर बैत कर ली है, इसलिए जिससे इमाम हसन ने सुलह कर ली है, इत्तेफाक कर लिया है, कोई सुन्नी उनसे इख्तिलाफ नहीं करेगा। और मैदान करबला में इमाम हुसैन ने यजीद के साथ कोई सुलह नहीं किया, इसलिए कयामत तक कोई सुन्नी यजीद को कभी मान नहीं सकता है। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजें बताई मैंने, पहली चीज क्या है मुस्तफा के सारे सहाबा और दूसरी चीज क्या है अहले बैत से था। और अहले बैत का पहले बात अहले बैत से मोहब्बत क्यों जरूरी है, उसकी वजह यह है कि अहले बैत को अल्लाह ने जन्नत का मालिक बना दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेराज की रात है, मैं अल्लाह की बारगाह में मुलाकात करने के लिए गया है, अल्लाह ने फरमाया महबूब पहले जन्नत की सैर कर ले। मेरे सरकार फरमाते हैं जैसे मैं जन्नत के करीब गया राई तो अला बाबिल जन्नत मक्तूबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली जन्नतुल्लाह अल हसन अल हुसैन सिफतुल्लाह व फातिमा तो खियारतुल्लाह व अला बाबिलहिम लानतुल्लाह। आप बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेराज की रात जब मैं गया मैंने जन्नत के दरवाजे पर पहले खुदा का नाम देखा, फिर अपना नाम देखा, फिर आगे लिखा था अली रहमतुल्लाह अली अल्लाह का महबूब है, अली अल्लाह का महबूब है, आगे लिखा था फातिमा तो खियारतुल्लाह फातिमा अल्लाह की पसंदीदा है, और आगे लिखा था हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह। फरमाया हसन हुसैन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। मैंने कहा प्यारे जरा गौर कर, जन्नत के दरवाजे पर नाम मुस्तफा का लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर नाम अली का लिखा है, हजरत फातिमा का लिखा है, हसन हुसैन का लिखा है। हमने कहा पैसे प्यार इसलिए
बड़े प्यारे अंदाज में कहा, क्या कहा? आपने फरमाया, क्या बात रजा उस चमनिस्तान कर, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन हो। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो मौलाना साहब के पास जाते हैं, हजरत जी नाम रख दीजिए। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। तो बोले तुम अपने बेटे का नाम अब्दुल जब्बार रख लो, पाकीज़ा नाम, अच्छे नाम, गफ्फार मेरे रब का नाम, जब्बार भी मेरे रब का नाम, अच्छे नाम रखना ही चाहिए। मैं नाम के चक्कर में आदमी उल्टे सीधे नाम रख लेता है। सरकार ने सलातो वसलाम के वालिद का नाम क्या है मालूम है आपको? अब्दुल्ला। और हुजूर के बेटे का नाम भी क्या है? तो अच्छे नाम अगर दिन में हमारे खानदान में 10-15 हो तो क्या परेशानी है। लेकिन आप लोगों का मिजाज बन गया, साहब ऐसा नाम बताइए जो पूरे गांव में ना हो। एक ने अपनी बेटी का नाम रख लिया मुशरिकी, माजल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे मुशरिकी का माना समझते हैं आप? मुशरिकी का माना होता है जो बुतों के सामने सजदा करता है। आपका नया नाम है कुरान में आया, भी कुरान में तो शैतान भी आया है, आया कि नहीं आया कुरान में? अरे मैंने कुरान की आयत पढ़ी ना, वना तत्तबिउ खुतुवात शैतान। कुरान में कितनी जगह इन्ना शैतान ने इंसानी आदमियों को भी, तो कुरान में किस मकाम पर कौन सी बात कही गई? इब्लीस भी आया है कुरान में, इसी तरीके से हामान भी आया है, कारून भी आया है, फिरौन। तो ये सारे नाम थोड़ी रखे जाएंगे भाई, नाम अच्छों के रखो ताकि अच्छों की हदायत पैदा हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के वक्त बच्चे ही थे बेटे, हजरत फातिमा तुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लफ्ज़ जिक्र तवज्जो फरमाइएगा। पैदा हुए कौन? इमाम हसन, इमाम हसन, इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए। मेरे सरकार तशरीफ लाए, हजरत अली से कारून इब्नी अली, मेरा बेटा आया है मुझे दिखाओ तो सही। हजरत अली गोद में लेकर के आए, मेरे नबी ने फरमाया मा समैतुहु, तुमने इसका नाम क्या रखा है? कहने लगे आका मैंने इसका नाम हर्ब रखा है, हर्ब का माना जंग होता है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो ए मेरे बेटे अली, सुनो सुनो, इसका नाम हर्ब नहीं रखा जाएगा, इसका नाम हसन रखा जाएगा। इनका नाम हसन रखा जाएगा, तवज्जो फरमाइएगा, इसका नाम हसन रखा जाएगा। अब अगला जुमला सुनिए। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हजरत इमाम हसन पैदा हुए, सरकार फिर तशरीफ ले गए, फरमाया बताओ इसका नाम क्या रखा है? हजरत अली ने कहा इसका नाम भी हर्ब रखा है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं, इसका नाम हुसैन रखा जाए। फिर हजरत फातिमा के यहाँ तीसरा बेटा पैदा हुआ, आपको हो सकता है मालूम ना हो लेकिन तीसरा बेटा भी पैदा हुआ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए, हजरत अली से फरमाया अली दिखाओ, अली दिखाओ। कहने लगे मेरे आका अलैहिस्सलाम, फरमाया इसका नाम क्या रखा है? कहने लगे इसका नाम भी हर्ब ही रखा है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं, इसका नाम मोहसिन रखा जाए। अब एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन, एक का नाम। हजरत मोहसिन बचपन में इंतकाल कर गए थे इसलिए ज्यादा मशहूर ना हो सके, और वो दोनों जवानी बल्कि अधेड़ों पर तक तशरीफ फरमा रहे हैं। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जहन आपका हाजिर है तो नुक्ता बता दो आपको। हसन हुसैन मोहसिन जब अरबी में आते हैं तो हसन भी हुसैन से बढ़े, बोल दो यार, हुसैन भी हुसैन से बसे, मोहसिन भी हुसैन से बसे। इमाम हसन और हुसैन के नाम के बारे में जब पूछा गया कि ये नाम जमाने जाहिलियत में हुजूर से पहले का जो जमाना है उसमें किसी का नाम हसन हुसैन था, तो हजरत इमरान इब्ने हुसैन ने कहा लम यकूना फिल जाहिलिया, जमाने जाहिलियत में भी किसी का नाम ना हसन था ना किसी का नाम हुसैन था। देखो अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम को देखो, जब सरकार पैदा हुए तो सरकार से पहले किसी का नाम मोहम्मद था ही नहीं। जब सरकार पैदा हुए बोलो पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का नाम जब मोहम्मद आए तो दुरूद पढ़ना वाजिब होता है, इसलिए मलदवा से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हुसैन पैदा हो गए। आपसे पहले किसी का नाम हुसैन नहीं था। हमने कहा ये सुन लियो, जरा गौर तो करो, ना नाना का कोई जवाब है, ना नवासों का कोई जवाब है। सरकार जब तशरीफ लाए तो अल्लाह ने मोहम्मद हम से बना है, हसन हुसैन हुस्न से बना है। अल्लाह ने पर्दे हम से नाम मोहम्मद निकाला और निकाल कर अपने महबूब को अता कर दिया है। और जब नवासों की बारी आई तो पर्दे हुस्न से हसन हुसैन निकाला और उनके नवासों को अता कर दिया। पता चला ना नाना का कोई जवाब मिल सकता है, ना नवासों का कोई जवाब मिल सकता है। हमारे नाम दुनियादार रखते हैं और हसनैन के नाम मदीने के ताजदार है। अल्लाह। अच्छा एक बात और फरमाइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब मर्द हैं, कोई नाना होगा, कोई दादा होगा, कोई चाचा होगा। एक बात बताइए, नसब कहाँ से चलता है? लड़कों से या लड़कियों से? लड़कों से चलता है। लेकिन सोच रहे हो तुम लोग, भाई तुम्हारी बल्दियत पड़ती है या अम्मा का नाम पड़ता है? अब्बा का पड़ता है ना, सन ऑफ। भैया बातचीत बहुत हो रही है यार तुम्हारी, दुकान यार बेचो तो इस अंदाज से बेचो कि मुझे खबर ना हो। हाँ उनको बता दीजिए कि बोलना नहीं है, नातिक कमाना हो सकता है, उन्होंने बोलने वाला समझ लिया हो। थोड़ा सा सुन लो बाबू, जब आ गया तो सुन लो। बंद कर दे शटर भाई। और नहीं शटर थोड़ा रहेगा ना, लेकिन बातचीत क्या कर रहा है आप? तो हमको कान पर बैठ करके बोलेंगे तो फिर फायदा क्या है? और नबी का जिक्र मुसलमान ने सुनेगा तो क्या शैतान सुनेगा? मुझे हया आती है, शर्म आती है। मैं इसलिए तकरीरें ऐसी जगह नहीं करने का आदी हूँ जहाँ पब्लिक ध्यान से सुने। मुसलमान अगर कुरान और हदीस नहीं सुन रहा है तो फिर उसको तो जो है चुल्लू भर पानी में जाके डुबकियां मारूंगा। मरना चाहिए नहीं तो बोलूंगा, इसलिए कि मरने की इजाजत मैं कैसे दे सकता हूँ, लेकिन डुबकी मारना चाहिए और शर्म और हया से उसको पानी पानी होना चाहिए। इस सरकार की हदीस कुरान नहीं सुन रहा है, अहले बैत का नाम हम लोग लेते हैं, इमाम हसन और हुसैन का तस्करा नहीं सुन रहे हैं, तो फिर यार क्या फायदा है इसी जिंदगी से? अल्लाह ताला वो दिन लाने से पहले ही हमें मौत दे देंगे जिसमें हम अहले बैत का तस्करा दिल से न सुन सके। अरे भाई जिसके नाम से हमें जन्नत मिलेगी है किसी के पास? आज कोई बैठा है इतने लोगों में जो खड़े होकर कहते मौलाना मैं जन्नत में जाऊंगा? पूरा यकीन है मुझे, इसलिए कि मेरे पास अमल है। कोई कह सकता है? बोलो। तो भैया तुम्हारे पास मेरे पास अमल कुछ नहीं है, हमारे पास नस्बत ही है। और निस्बतों का पासो लिहाज रखो। उस निस्बत पर ही तो नाज करते हुए आला हजरत ने कहा, दिल आपस खौफ से पत्ता सा उड़ा डाले। उसी निस्बत का पासो लिहाज करते हुए मेरा इमाम कहने लगा, दिल आपस आपने कहा वालों की शान को देखा तो आला हजरत ने भी कहा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ बोलने मेरी सरकारों के। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारे यहाँ नसब किससे चलता है? हजरत आदम से लेकर कयामत तक सबका नसब चलेगा तो लड़कों से चलेगा। अब्दुल गफूर पैदा हुए उनका नसब भी उन्हीं से चल रहा है। गौसे आजम पैदा हुए नसब आपका बेटों से चला। हजरत आदम पैदा हुए आपका नसब भी बेटों से चला। इसी तरीके से कयामत तक चलता रहेगा। लेकिन आपको मालूम है मेरे नबी की चार बेटियां तीन बेटे, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल, हजरत कासिम का इंतकाल, हजरत इब्राहिम का इंतकाल। अब मेरे नबी के तीनों बेटे हैं, तीनों का इंतकाल हो गया। सनौवा के सुन्नी मुसलमानों जरा इंसाफ से बताना, जब हुजूर के तीनों बेटे इंतकाल कर गए तो अब नबी की नस्ल कैसे चले? नबी का नस्ल का सिलसिला कैसे आगे बढ़े? इसलिए कि सिलसिला लड़कों से चलता है। लड़के तीनों इंतकाल कर गए, मगर याद रखिएगा जब मेरे नबी के बेटे का इंतकाल हुआ, अबू लहब एंड कंपनी बहुत ज्यादा खुश हुए, कहने लगे अब नबी की नस्ल माशाल्लाह, बोलो माशाल्लाह खत्म हो गई। लेकिन उन सालों को पता नहीं था जो अल्लाह ताला मुस्तफा के आखिरी बेटे हजरत इब्राहिम को लेने पर कादिर है, वो मुस्तफा की नस्ल को आगे बढ़ाने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए सिस्टम को चेंज कर दिया, कानून को चेंज कर दिया, निशान को तब्दील कर दिया। आदम से लेकर कयामत तक सबकी नस्लें चलेगी तो लड़कों से चलेगी। लेकिन मेरे नबी ने खुद फरमाया, इन्नल्लाह ताला जाला सुद्दियता
चाला सुनियत थी फिर सुन भी आली के अभी तारे फरमाया सुन लो मेरे उम्मतियों अल्लाह ने हर नबी की नस्ल को उसी की पीठ में रखा है लेकिन तुम्हारे नबी की नस्ल को अल्लाह ने अली की पीठ में रखा है और सुनो हमारा मिजाज ये है कि हम किसी वली के मुखालिफ नहीं है और जो मुखालिफ है वो पागल है मनाद अली वली के फकत बारजनी बिन मुहारबा हदीसे कुदसी अल्लाह फरमाता है जो मेरे किसी वली से भी दुश्मनी रखता है वो मुझसे जंग का ऐलान करता भैया मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं अल्लाह से लड़ सकूं इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारे वलियों से प्यार सुभान अल्लाह और यही अहले सुन्नत की पहचान है हम सारे वलियों से प्यार करते हैं ये जो तराजू लेकर ये बैठे हैं ना कि फला वली है फला वली नहीं है भैया देखो विलायत मेरी और तुम्हारे बाप के दर से नहीं बनती है रसूल पाक के दर से अल्लाह ताला ने सैयदी गौसे पाक को सारे वलियों का सरदार बनाया और सरकार से शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ने वलियों में बहुत बड़ा मकाम जो एक मनसब होता है कुतुबुल मदार वो अता फरमाया इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजले बरेलवी कोखानी मौलवी साहब कहकर धोखा देने की कोशिश मत कीजिएगा आला हजरत मुजद्दिद है और मुजद्दिद अपने जमाने के वलियों का सरदार होता है उसके जमाने में मैं भैया 1400 साल की तारीख नहीं बता रहा हूँ आपको जुमला समझ में आए कि देखो मौलाना वो आला हजरत को बनियों का सरदार बता के चले गए असल में बड़ा मसला होता है क्योंकि हसद और बुग्ज एक अजीब चीज है जो आदमी को अंधा कर देती है जुमला मेरा ध्यान से सुनिएगा आला हजरत के दौर में ये मेरा दौर चल रहा है ना मैं जिंदा हुई आपका दौर चल रहा है ना तो आला हजरत के दौर में आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया आप कहेंगे वो कैसे मैंने कहा आला हजरत मुजद्दिद है और मुजद्दिद होता ही वही है जो वलियों का जमाने के बनने और विलायत भैया किसी के घर से नहीं बनती है अगर आला हजरत की करामतें पढ़ना है तो हयात आला हजरत को पढ़ लीजिए कितनी करामतें आला हजरत से साबित हुई है अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी करामत तो ये है कि आला हजरत का कदम पूरी जिंदगी कभी शरीयत के खिलाफ ही नहीं गया है आला हजरत को नमाज में देर हो गई मैंने सोचा कि अब आला हजरत को देखूंगा मस्जिद के अंदर आते हैं तो पहला कदम सब पर रखते हैं तो पहला दाहिना कदम रखते हैं फिर दूसरी सब पर भी दाहिना कदम हम लोग क्या करते हैं मस्जिद में जाते हैं तो बस पहला दाहिना पैर रख लिया उसके बाद सफों पे चलते रहते हैं तो दाएं बाएं का कोई लिहाज नहीं करते मगर आला हजरत की आदत थी मस्जिद में एंट्री करी तो पहला कदम दाहिना कदम रखा पहले सब पे गए तो दाहिना कदम रखा दूसरी सब पे गए तो दाहिना कदम रखा तीसरी सब पर गए तो दाहिना कदम रखा चौथी पे गए तो दाहिना कदम रखा हत्ता के मुसल्ले पे पहुंचे अपने तब भी दाहिना कदम सैयद अय्यूब साहब कहते आज देखूंगा सुन्नत जिंदा रहेगी कि नहीं इसलिए कि नमाज़े फज्र में देर हो गई थी लगता था सूरज निकल आएगा आला हजरत तशरीफ लाए फरमाते हैं मैं हैरत ज़दा हो गया मैंने देखा मस्जिद में गए पहला कदम दाहिना रखा पहली सब पे भी दाहिना दूसरी पे भी दाहिना तीसरी पे भी दाहिना मुसल्ले तक पहुंच जाते हैं लेकिन दाहिने कदम की सुन्नत को नहीं छोड़ा यही तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा हमारे बुजुर्गों ने लिखा अगर किसी के वली होने को चैज करना है तो करामतों को मेयार ना बनाओ ये देखो उसका कदम शरीयत के मुताबिक है कि नहीं इसलिए कि वली करामत ये सारी चीजें होती है तो इस्तिकामत पर होती है उसका अगर कोई इंसान सच्चा वली होता है तो वही होता है जो दीन पे पूरी तरीके से कायम रहा करता है मजबूती से चलता है अल्लाह ताला उसी को विलायत का मनसब अता फरमाता है एक बात बताओ तीन तीन अंगूठी पहन के आना है या तीन अंगूठी बाल उसके कांधों से नीचे सरकार अलैहि सलाम की कसम खाती थी और शानों के ऊपर थी कांधों से समझ गया ना शाने और कांधे के नीचे बाल चले गए उसके बाद आप सोचे कि वो बली हो जाएगा मैं कह रहा हूँ वो बली नहीं बुजुर्गों ने लिखा है वो बली है मगर वली रहमान नहीं वली शैतान बुजुर्गों ने लिखा शरीयत की मुखालफत करने वाला कभी कोई वली बनता ही नहीं
एक चीज और, इमाम शाफी रदी अल्लाह तआला ने फरमाया मत तखद अल्लाह वलीया जाहिरा। ये जुमला सुनिएगा जरा ध्यान से, आज जो सो रहा उनको जगा दीजिए, देखिए इनको क्या हो गया। वहां खैर तो है, आप इधर तवज्जो करें, एक जुमला सुनिएगा भाई। इमाम शाफी रदी अल्लाह तआला ने, ये आला हजरत की सनद नहीं दे रहा हूं कि कुछ लोग सोचे मैंने आला हजरत बरेली वालों का नाम लेकर के, नहीं, इमाम शाफी चार इमाम है, इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्ने हंबल, चार ही तो है। हम इमाम आजम की तकलीफ करते हैं लेकिन हक चारों, उन्होंने यार सुभान अल्लाह हक चारों। इमाम शाफी फरमाते हैं मत तखद अल्लाह वलिया जाहिरा, अल्लाह ने आज तक किसी जाहिल को वली बनाया ही नहीं। ये समझे बात को, अल्लाह ताला जब किसी को वली बनाता है तो उसका पहले आलिम होना जरूरी है। इसका मतलब विलायत सिर्फ आलिमों में बढ़ती है, और आला हजरत आलिम थे कि नहीं बना, तुम्हें जब आला हजरत आलिम थे तो उनके यहाँ विलायत नहीं होगी और तीन तीन अंगूठी पहनने वाले वली होंगे। ये अजीब फलसफा सिखा के हमारी कौम को रखा। देखिए अंधेरों से निकले, अंधेरों से, अंधेरों में मत रहे। पहले वैद की बात कर रहा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने सबकी नस्लों को अली की पुश्त में रखा लेकिन मेरी नस्ल को अली की पीठ में रख दिया। इसीलिए तो मेरे नबी की नस्लें बाग हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से चली। सैयद किसको कहा जाता है? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो औलाद है। कौन फातिमा ज़हरा? वही फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिनको अल्लाह ने यह कमाल अता फरमाया कि जब इमाम आली मकाम कर्बला की सरजमीन पर मौजूद थे, यजीदियों को आखिरी खुतबा आखिरी तकरीर सुना रहे थे, तब आपने एक जुमला इरशाद फरमाया था। आपने कहा था ए यजीदियों सुनो सुनो, आप मुझे पहचानते नहीं, देखो मैं किसका बेटा हूँ, मैं किसका नवासा हूँ, मैं आका करीम अलैहिस्सलाम का नवासा हूँ और मैं उस फातिमा का लखते दिगर हूँ जिसको अल्लाह ताला कयामत के दिन पर्दे की बरकत की बुनियाद पर जितनी माँ पहले बेटी, अगर मेरी बात को सुन रही है ध्यान से सुनिएगा, आए दिन ये पर्दा हटता चला जा रहा है, चेहरों से नकाब हट रहा है, चेहरों से पर्दे हटते चले जा रहे हैं। और सुनो मेरी बहन बेटियों, अगर कॉलेजों में पढ़ती हो किसी गैर मुस्लिम के साथ दोस्ती मत कीजिएगा, उनके साथ रिश्ते कायम मत कीजिएगा, फितना इत्तेदाद इसीलिए फैल रहा है। और याद रखना आए दिन अखबारों में खबर आती है जालिमाने मोहब्बत के झांसे में फंसा लिया और फंसाने के बाद चंद दिन के बाद लाश वहां पड़ी है, वहां जान से मार दिया गया। याद रखो अगर मोहब्बत करना है और प्यार करना है तो एक दुनिया तार से प्यार मत करो, मदीने के राजदार से प्यार करो, ऐसे दूर जाओ नबी से प्यार करो जिसने बिलाल को जमीन की बस्ती से उठाया, काबे की छत तक पहुंचाया। मैं इसको बिल्कुल अच्छी अंदाज में समझाना चाहता हूँ, गाड़ी के पीछे लिखा होता है शरम बेवफा। हमने कहा शरम अगर अरबी में देखा जाए तो माना कुछ होता है, पत्थर के माना में आता है, हिंदी में यार और प्यार और महबूब के माना में आता है। हम कहते हैं इसने किसी से प्यार किया था लेकिन उसने धोखा दे दिया, इसने लिखवा दिया शरम बेवफा। अबे साली इन बेवफा लोगों से प्यार करता क्यों है जो तेरे नफ्स के साथ खेल रहे हैं? बहन बेटियों जरा तवज्जो दो मेरी बात पर, उन सालिमों के साथ अपनी जिंदगी बसाने का फैसला करती हो जो तुम्हें न यहाँ काम आ सकते हैं न वहाँ काम आ सकते हैं। अरे प्यार मदीने वाले से करो जिससे इश्क सहाबा ने किया, अहले बैत ने किया, सहाबिया ने किया, मदीने की आका अलैहिस्सलाम की सच्ची सहाबिया ने किया। एक सहाबी सहाबिया आती है हजरत आयशा के पास, कहती है आयशा मैं सरकार की कब्र पे हाजिरी देना चाहती हूँ। कहा ठीक है अंदर जाओ। उन्होंने कपड़ा हटाया, नबी की कब्र पे नजर पड़ी, कौन है? नबी की सहाबिया है, आशिकए रसूल है, नबी से प्यार करने वाली है। नबी की कब्र को देखा, सरकार के रोजे को, कब्र को देख कर रोती रही, रोती रही, रोती रही, रोती रही, आखिर उनके जिस्म से रूह निकल जाती है। हजरत आयशा कहती है इंतकाल हो गया, अरे मरना है तो इन काफिरों से दोस्ती करके अपनी लाशों को बर्बाद ना करो, अगर तुम्हें मरना है तो नबी के इश्क में मरो ताकि तुम्हारे जनाजे पे फरिश्ते भी रश करते रहे। बहुत खूब, बहुत हरे रिसालत, हरे हैदरी।
इश्क पैदा करो सरकार का सच्चा। सोशल मीडिया जितनी बर्बाद कर रही है, इस सोशल मीडिया के चक्कर में ना पड़ो। बहुत सारे बरेली के अंदर भी है, हमारे पास तो लोग मसला पूछने के लिए भेजते हैं कि साहब फला साहब है, फला साहब है, अब्दुल सलाम है, शान साहब है, निशान साहब है, यानी क्या क्या नाम है। और मरदूद रील बनाते हैं ऐसी कि ईमान ही नहीं बचता, अकीदा ही चला गया तो फिर जानवरों की तरह जिंदगी काटो क्या फायदा। अकीदा ही ना हमारे पास है। अगर इश्क करना है तो उसे अल्बानी नौजवान की तरह करो जिसको अभी मदीने में पकड़ा गया और उसका इंतकाल हो गया। एक नौजवान था अल्बानी, अब अल्बानी या तो अरबी या जापान को कहते हैं, किसी दूसरी कंट्री का था। एक शख्स कहता है मैं वहां मौजूद था, मैंने देखा पुलिस वाले आए, सुरता आए, पकड़ लिया उसको। पकड़ा तो ये कहने लगा ये चोर है, तुमने इसको पकड़ा है। पुलिस वाले कहते नहीं, कहा इसने कुछ गड़बड़ किया है। नहीं, पासपोर्ट नहीं है। हाँ है, तो क्यों पकड़ा है। कहा कि ये एक जमाने से यहां छुप करके रह रहा है, कहा मदीने शरीफ में। हम तो कहते हैं ना जेल मिल जाए मदीने की, हम जिंदगी भर उस जेल में रहेंगे। सुनो नौजवानों, आज भी ऐसे नौजवान हैं, सोशल मीडिया ने तबाह कर दिया आंखें। रात को भी आंखें खुलती है तो सोशल मीडिया पे, सुबह को आंखें खुल रही है तो सोशल मीडिया पे, रात को आंखें बंद होती है तो सोशल मीडिया पे, खुलती है तो सोशल मीडिया पे। इसने इतना तबाह करके रखा है मेरी कौम की बेटियों को और मेरी कौम के नौजवानों को, कुछ सोचना ही नहीं। आप बताइए वक्त पर मेरी बिल आ रहा है, कितने लोगों ने स्कैन करके ये दर्ज कराया है कि हम इस बिल के मुखालिफ है, बोलो कितनों ने किया है। अभी हाथ पकड़ के पूछा जाए तो पता ही नहीं होगा कि पार्लियामेंट में चल क्या रहा है। अरे यार आपका मालूम है ऐसा कानून लाना चाह रहे हैं कि जिससे तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारी इबादत का है, तुम्हारे कब्रस्तान, ये सारी के सारी चीजें जो है उनके कब्जे में आ जाए, वो जब चाहे तोड़े, जब चाहे उनको बाकी रखे। अलहयाज बिल्ला, इसके इस पर जो है पूरी तरीके से ऑपरेशन किया गया। और हमारे जो हिस्से मुखालिफ था, जो अपोजिट पार्टी थी, उसने कहा इसलिए अब यहाँ राय मांगी जा रही है कि आप बताओ, और यहाँ आम शहरियों की राय मांगी जा रही है। जमात रजाए मुस्तफा की तरफ से भी ऐलान हुआ है, इसलिए जितने भी सोशल मीडिया चलाते हैं सब उसको रिजेक्ट करने के लिए अपने अपने वजूद का सबूत दे। और हमारे यहाँ रिजवान भाई और दीगर हजरात से मालूम कर ले ताकि पता चल जाए मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर अपनी मस्जिदों को गिरता हुआ नहीं देख सकता, अपनी संस्थाओं को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता, अपनी इबादत का हो को लुटता हुआ नहीं देख सकता। बहरहाल उस नौजवान को पकड़ लिया। भाई मोबाइल जेल में रख ले यार, सोशल मीडिया को बाद में लगाना, मैंने कह दिया तो तुम बैठ गए यहाँ पर, गौर फरमाइएगा बाद में बहुत बहुत मिलेगा। तवज्जो फरमाइए, नौजवान को पकड़ लिया। ये बहुत दिनों से मदीने में रहता है। अब उस नौजवान ने देखा कि ये छोड़ेंगे नहीं, तो मालूम है उसने क्या कहा था। उसने कहा कि अच्छा मुझे पकड़ना तो चाह रहे हो लेकिन दो बातें मदीने वाले से कह। बोल ना यार, बोल बोल तो सही था। दो बातें मदीने वाले से करने दो। उसने सरकार के रोजे पाक की तरफ चेहरा किया, कहा हुजूर मैंने अपने बाप को छोड़ा ना, अपनी माँ को छोड़ के आया, अपनी दुकान छोड़ करके आया, अपना कारोबार छोड़ करके आया। हुजूर आपसे यही तो वादा करके आया था यार कि अब मुझे मदीने से आप जाने नहीं दोगे। सरकार ने माँ बाप को छोड़ा है, रिश्तेदारों को छोड़ा है, अपने मुल्क को छोड़ा, अपनी कंट्री को छोड़ा, अपने कारोबार को छोड़ा, आपसे ये अहदो पैमान लेकर के आया था कि मैं मदीने शरीफ में रहूंगा। ए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब ये पुलिस वाले मुझे निकाल के ये कह रहे हैं कि हम इसको फ्लाइट पे बिठाएंगे, इसके मुल्क और कंपनी को रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे। हुजूर वादा तो ये किया था मैंने, अहदो पैमान तो ये लिया था। वो नौजवान जो दिल रहा था उसने लिखा, लिखने के बाद वो क्या कहता है, कहता है बस ये जुमले उसकी जबान से निकले थे, इतनी देर में वो नौजवान नीचे गिर जाता है। मैंने उसके चेहरे को देखा और पुलिस वालों से कहा पानी लेकर के आओ, उसके चेहरे पर पानी डाला। एम्बुलेंस मंगवा
पहुंचाई गई, उसको फौरन अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने जैसे ही समझ को पकड़ा, कहा इसको तो 15 मिनट हो चुके हैं, इंतकाल कर चुका है। अरे से प्यार करो तो सही, आज भी तुम्हारा नबी तुम्हारी सुन रहा है, लेकिन तुमने मिजाज को बदल दिया है। तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, कुरान छूट गया है, तुम्हारी समाज बेकारे है, मुस्तफा की बातें चली गई है, तुम्हारी आंखों के सामने गंदे सीन है। अल्लाह का मुकद्दस कुरान कहा है, लाओ तो सही ऐसा ऐसा पैदा करो। उस नौजवान का इंतकाल हो जाता है। अब इन पुलिस वालों ने देखा, इनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। हम नहीं जानते थे इतना बड़ा आशिक है। अब उसके बाद ये नौजवान जिसने वादिया लिखा, जो अपनी आंखों से देख रहा था, उसने कहा मैंने सोचा, पुलिस वालों से कहा आप अलग हट जाओ, मैं इसको गुस्ल देना चाहता हूँ। पुलिस वालों ने कहा खबरदार, अब हम किसी को गुस्ल नहीं देने देंगे, मैं इसके जनाजे को किसी को उठाने देंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए कि हो सकता है ये हम गुस्ल देते और उसका जनाजा उठाने तो ये हमसे राजी हो जाए, हमारी गलती को माफ कर। चूंकि कह के ही आया था मदीने वाले से, हुजूर वादा किया था कि मदीने से जाने नहीं दूंगा। बिल्कुल नौजवान जुब्बा पहना हुआ, छोटा सा, लेकिन इश्क़े रसूल है। मैंने जब इस वाकिए को पढ़ा तो मैंने कहा अल्लाह मुझे भी ऐसा इश्क़ अता फरमा। ये इश्क़ पैदा करता है, ये भी कोई इश्क़ है? नमाजों के करीब, न इबादत के करीब, न चेहरों पे दाढ़ियां, शादियों में वो मक्कारी, वो अय्यारी, वो अय्याशी, वो बदहाली, औरतों का वो गंदा सिंगार, पर्दों से कोसों दूर। वो भी औरतें जो पटवक्ता नमाज पढ़ने का दावा करती है, लेकिन शादियों पे उनको उनके चेहरों को देख के इब्लीस को भी हरा। ये घरों के अंदर हमारे माहौल बना हुआ है, कुछ नहीं मिल पाएगा, याद रखिएगा। बस थोड़ी देर है, आंख बंद हुई, सब हजरत मौला कायनात ने फरमाया था अन्नासो निया ऐसा मातु इंतबा हुआ, फरमाया लोग गफलत के नींद सो रहे हैं, जब मरेंगे तब आंखें खुलेंगे। करना क्या चाहिए था? काम दोजख के किए, जन्नत का है उम्मीदवार। अरे मियां कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते, जन्नत का महल बदकारों के लिए थोड़ी हो जाएगा। दिन भर गुनाह, दिन भर गुनाह, और इतने गाने सुनते हैं अल्लाह समद, और उन गानों में इतनी फहश बातें होती है। सवालात हमारे पास आते हैं, हजरत ये गाना, हजरत वो गाना, भैया इन गानों में एक भी कुफरा कुफरी जुमला अगर बोल दिया, भैया मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देहातों के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा है, ये बड़े बड़े बाल, ये सारी कैफियत कानों में महफूज, गाड़ी भी चला रहे हैं तो कमबख्त गाना सुनता हुआ खुदा ना खास्ते एक्सीडेंट हो जाए, मरा कितनी बुरी मौत। गाना सुन रहा था, अरे भाई तुझे सुनने ही की अगर आदत है तो ये क्यों नहीं सुनता हबीबे खुदा का नजारा कर, दिलो जान वहां पे निशारा कर। जब चलता है गाड़ी लेके तो ये क्यों नहीं पढ़ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहता हूं अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके कान से आवाज टकरा रही है, हबीबे खुदा का नजारा करो, मैं भूलो जानो पर निसारा करो मैं। खुदाए ताला का अगर करना हो गया, चूंकि मौत किसी वक्त भी आ सकती है, अचानक गाड़ी टकराई, हादसा हो गया, मेरा यकीन बोलता है उस मरने वाले के रूह निकलने के वक्त में मदीने के ताजदार आ जाएंगे, इसलिए कि वो दुआ ये कर रहा था हबीबे खुदा का नजारा कर। इश्क रसूल के बगैर कुछ है ये बच्चियां जितनी भी हमारी गुमराह बुद्दीन काफिर हो रही है, मुर्तद हो रही है, इसकी वजह यह है कि हमारे घरों के अंदर दीन का माहौल नहीं है। सच्ची बात है, दीन का माहौल नहीं है। अगर दीन का माहौल हो तो कोई मुस्लिम बच्ची किसी गैर के साथ जिंदगी काटने का फैसला कर सकती है? अरे बताओ, हमारे बुजुर्गों ने साफ लिखा है, फरमाया कि
के झूठे को इससे ज्यादा बुरा समझो कि अपने थूक को जमीन पर डालकर फिर चट जाए। अब वो बच्ची इतना बड़ा फैसला कर रही है, इसका मतलब यह है कि हमने 3 बच्चियों को नहीं सिखाया। हमने अपनी बच्ची को मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर सब सिखाया, अगर दीन नहीं सिखाया, अगर दीन नहीं सिखाओगे तो याद रखना कुछ मिलेगा नहीं। और बाप बाप याद है, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस्लाम की बुनियाद क्या दी चीजें हैं, ऊंचा बोलो, दो चीजें। पहली चीज क्या है? मुस्तफा अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा से प्यार करना। और दूसरी बुनियाद क्या है? दूसरी बुनियाद क्या है, ऊंचा बोले, दूसरी बुनियाद है अहले बैत से प्यार करना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की पहली वाले जो जुमला है मैंने उसको तो दूसरे वाले को मुकम्मल कर दिया, पहले वाले की तकमील चाहता हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सरकार के सारे सहाबा से प्यार करना। याद रखना एक भी सहाबी की गुस्ताखी जबान पे नहीं आना चाहिए, वरना फिर कुछ बचेगा नहीं, हालत सब तबाह हो जाएगी, ईमान अकीदा बर्बाद हो जाएगा। खुद मेरे नबी ने सहाबा के लिए फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, ला तत्तखिदुहुम गरदन मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग्दी अबगदहुम। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरे उम्मतियों, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह का खौफ दिल में रखना। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने अकीदे की किताबों में लिखा है लाला तफु अल जिक्र सहाबती अल्लाह बेखैर, हम जब भी सहाबा का जिक्र करेंगे भलाई के साथ ही करेंगे। सरकार ने सलाम फरमाते हैं जो मेरे सहाबा से प्यार करता है तो वो इसलिए कि वो मुझसे प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा पे गौर करो इस बात पे कि सरकार ने सहाबा की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया। क्या कहा? अपनी मोहब्बत करार दिया। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सुनो वमन अबगदहुम फबिबुग्दी अबगदहुम, और जो मेरे सहाबा से नफरत करता है तो वो इसलिए कि वो मुझसे नफरत कर रहा है। पता चला सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा की नफरत मुस्तफा की नफरत है, और जो नबी अलैहिस्सलाम से माशाल्लाह नफरत कर ले मुसलमान हो सकता है? इसका मतलब यह है मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़े फरमा दिया अगर तुम मेरे सहाबा से मोहब्बत करोगे तो उनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, अगर तुम उनसे बुग्ज रखोगे उनका बुग्ज मेरा बुग्ज है। फरमाया वमन आज़ाहु फ़क़द आज़ानी, जो उनको सताएगा वो मुझे सताएगा, और जो मुझे सताएगा वो अल्लाह को सताने की कोशिश कर रहा है, अंतरीन अल्लाह पकड़ के उसको जहन्नम में डाल देगा। इसलिए याद रखना सुन्नियत का पैगाम यही है, अपने बच्चों को तवज्जो फरमाइएगा, अपने बच्चों को बचपन ही से सहाबा और अहले बैत दोनों की मोहब्बत दिल में बिठाओ, और दुनिया वालों से कहो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाउ का इतरत रसूल। बस मैं 10-5 का बोल रहा हूँ, उसके बाद गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूँ, इंशाल्लाह फिर किसी और मौके पर लंबी चौड़ी बात करें इंशाल्लाह। मैंने एक बात अर्ज की अपनी बच्चियों को इसके रसूल से, और जितनी बहन बेटियां यहाँ सुन रही है अगर कॉलेजों में पढ़ती है तो आज इसे ऐसा पैमान कर लें कि हम सिर्फ सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही को अपना सब कुछ रखेंगे। सारी बहुत धोखे बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप, इन पर चैटिंग होकर के दोस्तियां की जाती है, ये होता है। अरे भी आप लोग सब जानते हैं, देखो ना हर मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत दूर का कोई आ गया ना और यहाँ आकर के बस गया, फितरा इंतजाम में मुबतला हो गया, हुआ क्या हुआ? एक सर्वे आया था, उस सर्वे में मुझे याद नहीं आ रहा है, कहा था कि फेसबुक के जरिए हर दिन इतनी इतनी तलाकें पड़ती हैं, क्या है? और फिर एक बात यह है
कि जिस बच्ची और बच्चे को आपने बड़ा सा मोबाइल दिया उसकी जिम्मेदारी भी आपने कुछ महसूस की कि मेरे सर पे क्या जिम्मेदारी है? ध्यान देना भाई, जो घरों में बहन भी होगी, किसी के घर में बेटी भी होगी, आप जब मोबाइल देते हैं बड़ा तो रात में चेक भी करते हैं कि नहीं, कि बेटी किसी से बात तो नहीं कर रही है? कालिक भेजते हैं तो कभी पीछे लग करके ये भी देखते हैं कि बेटी जा कहाँ रही है? ये भी तो जिम्मेदारी है आपकी। ये थोड़ी है कि सिर्फ आपने मोबाइल दे लिया और खराबे की नींद ले रहे हैं और बेटी रात भर चीटिंग कर रही है, बातें कर रही है, इसी से ही तो माहौल खराब होता है। सरकार ने सलाम ने फरमाया कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयती, फरमाया तुम में से हर एक आदमी जिम्मेदार है, कयामत के दिन उसके घर वालों के बारे में उससे पूछा जाएगा। इसीलिए तो कुरान ने कहा या अय्युहल लदीना आमनु कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारु वकूदुहा अन्नासु वल हिजारा, ए ईमान वालों खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ जिस आग का ईंधन अल्लाह ने इंसान और पत्थरों को बनाया है। इसलिए बेटियों अगर तुम्हारे माँ बाप ने 30 साल 25 साल का तुम्हें बड़ा कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती, सोचती रही कि मेरा बाप तो जब आंखें खुली थी तो मेरे बाप ने मेरे कान में अजान पढ़वाई थी, मेरे हाथ में पारा दिया था, ये सजल कुरान पढ़ा था, मैंने अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत की थी, भाई सुनने जरा ध्यान से मेरी बात को, मुस्कुराने ना बात नहीं है, मुस्कुराने का वक्त नहीं, रोने का वक्त है, और अगर आंखों में आंसू ना आए तो खून के आंसू रोइए, इसलिए कि यही तो मेरी कौम का नौजवान है, इसने पूरा माहौल चौपट करके रखा है, ये घर का भाई है भाई जिसने बहन को बिगाड़ा है। आप कहेंगे वजह क्या है? कहा कि बाप से जिद कर गया, मुझे बड़ी वाली टीवी चाहिए, भाई ने जिद कर ली, बड़ा सा मोबाइल लेके आया, बदबख्त खुद भी गाना सुन रहा है, बहन घर के अंदर मौजूद है, टीवी खोल के बैठा हुआ है। अब जाहिर सी बात है बहन आके थोड़ी फोड़ लेगी, वो भी बैठ करके गंदी तस्वीरें देख रही है। ये बाप सालिक जो घर में टीवी चला करके बैठता है, खुद भी पिक्चर देखता है, इसका भाई बेटा भी देख रहा है, इसकी बेटी भी देख रही है। अब सालिक तू नहीं अपनी बेटी को बर्बाद किया है, वो आज इस कगार पे आ गई, उसको इस्लाम की फिक्र नहीं रही, उसको मुस्तफा की फिक्र नहीं रही, उसको मुसलमे की फिक्र नहीं रही, उसने शायद के साथ जिंदगी काट के अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, खुद को जहन्नमी बनी, तेरे लिए भी जहन्नम का सामान कर लिया। इसलिए जो भी तुम्हारी बेटियों के कल्चर को खराब करता हो, कल मैं इस्लाम से दूर करता हो, सबसे घरों से निकाल के बाहर करो और दुनिया वालों को बताओ हमारी बोली ये है, जब तक टिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर कुरान कहता है जो अच्छा करोगे ना, जर्रा बराबर भी अगर तुमने अच्छी नेकी की होगी तो अल्लाह उसका अजर सवाब देगा, गुनाह किया होगा तो उसको भी पूछा। समझ गए? घरों में अगर भाई सुधर जाए सबसे बड़ी बात बताऊ, इन नौजवान भाई सुधर जाए तो ये नमाजी हो जाए, तो बहनों के अंदर कम से कम 50-60% खौफ पैदा हो जाए। अब भाई बिगड़ा हुआ है, अय्याश आ सकता है, घर वाले सब जानते हैं कि ये अय्याशी करता है, मक्कारी करता है, बहन भी जान रही है, मगर जालिम छोड़ने को तैयार नहीं है, और जब छोड़ता नहीं है तो फिर बहन भी अपने जिंदगी के लिए कुछ उल्टे सीधे फैसले कर लेती है, फिर पूरा घराना बर्बाद होता है, उस घराने की वजह से पूरा मुआशरा बर्बाद होता है। अरे भाई आए दिन आप खबरें पढ़ना है कि नहीं पढ़ रहे? अफसोस नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता बताओ? मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ, जिसको फिक्र हो या ना हो, लेकिन मैं कभी तन्हाई में इस चीज को महसूस करता हूँ, काफी देर तक कभी कभी ऐसा होता है कि सोचते सोचते नींद नहीं आती, आखिर इस कौम को हम करें करें किस तरह समझा। एक तरफ तो फितरा इर्तिदा बच्चियां इस्लाम से दूर हट रही है, दूसरी तरफ हमारी कौम में कुछ कुछ सुन्नी बनाम सुन्नी रापसी कुछ रह रहे कम वक्त, जो हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ भागते रहते हैं। अब किस किस से लड़ा जाए? एक फितरा हो तो उससे लड़ा जाए। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी अबाई और एक भी सहाबी की गुस्ताखी करने वाला कयामत तक सर पटकता रहे। मैं कह रहा हूँ, मैं दलील से भी साबित कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी मेरे जहन में है। आपने हो सकता है कि बेंगलोर का मुनाजरा आपने
सुना हो उसमें मैं भी मौजूद था और मैंने भी सामने वाले को सही तौर पे समझाया था। वो सालिक भी हजरत अमीर माविया पे मुनाजरा करने आया था, लेकिन कसम खुदा की इस तरीके से जलील होकर गए। और मैंने उस वक्त एक जुमला बोला था, मुझे पूरा यकीन हो गया है सहाबी का उस्ताद कभी इज्जत वाला हो ही नहीं। बरेली शरीफ अच्छा एक बात बताओ, गलत यजीद ने किया था कि हजरत मेरे मौलिया यजीद? अरे बोलो ना भाई, यजीद ने। पीछे वालों किसने बुरा किया था? यजीद ने बुरा किया। हजरत अमीर मौलिया ने कुरान लिखा है कि नहीं लिखा है? टोपी वालों आप भी बोलो जो खड़े हुए, कुरान लिखा है कातिबे वही है? अरे बिल्कुल है भाई, सरकार अलैहि सलाम की हदीस पूरी मौजूद है, बोलो है ना? सुभान अल्लाह। अच्छा जिसने कुरान लिखा वो माज़ अल्लाह अगर वो मुनाफिक था तो 1400 साल के बाद के अंधों को समझ में आ रहा है कि वो मुनाफिक था, और जो सरकार बराबर में बिठा करके लिखवा रहे थे हुजूर को पता नहीं था? अरे बोले यार हुजूर को पता था कि नहीं था? लेकिन हुजूर ने कभी कहा जब सरकार ने मस्जिद नबी से निकाला था और मुनाफिकीन के लिए फैसले हुए थे, हजरत अमीर माविया से कभी कहा माज़ अल्लाह कि तुम मुनाफिक हो? बल्कि एक दिन हजरत उम्मे हबीबा की गोद में, हजरत अमीर माविया छोटे थे ना, अपने बहन की गोद में लेटे हुए थे, सरकार ने इस्लाम तशरीफ ले आए, हुजूर तशरीफ लाए तो अब मुस्कुराकर फरमाया उम्मे हबीबा जो कि बहन थी ना सगी, हजरत अमीर माविया के सरकार की बीवी थी, और कुरान कहता है वो महातो क्या बोलते हैं आजमाजो महातो नबी की जितनी बेटियां हैं वो सब ईमान वालों की माए। ऊंचा बोलो यार, सब ईमान वालों की माए। अब हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा किसकी बीवी है? मेरे सरकार की। किसकी बहन है? हजरत अमीर माविया की। हजरत अमीर माविया सर पर सर रख करके लेटे हुए थे, अब लेटे हुए थे हुजूर आए मुस्कुराए फरमाया आयशा उम्मे हबीबा तुम माविया से मोहब्बत करती हो? तो आपने कहा माली ना मोहब्बत अखी, हुजूर मैं अपने भाई से मोहब्बत क्यों नहीं करूंगी? तो मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर फरमाया इन्नल्लाह व रसूलहू युहिब्बानि, फरमाया तुम भी इससे मोहब्बत नहीं करती हो, अल्लाह उसके रसूल भी इससे मोहब्बत फरमाते हैं। किसी को मेरी बात पर कुछ डाउट हो तो सवाल भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम कोई तीन चार मुठियों वाले पीर नहीं है, हमारा ओढ़ना बिछाना मालूम है क्या? आप कभी आइए मेरे कमरे में तो मेरे सर के पास में भी किताब मिलेगी, बल्कि जो क्या बोलते हैं जो औरतों को मिलता है चेहरा देखने सिंगारदार बोलते हैं, किताबें इतनी हो गई हैं कि अब उसमें और कुछ रखने के बजाय मेरी किताबें रखी है, और मेरी अलमारी अलग है, अलमारी के ऊपर भी किताबें, क्योंकि मेरा ओढ़ना बिछौना सब किताबें। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर कफन होगा वरना पकड़ा। इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे ही आप रास्ते रखिए, डंडा पीर बंगा पीर ये सब उल्टे सीधे जो घूम रहे हैं ना, ये आपके ईमान अकीदे को तबाह करने वाले लोग। देखिए जाहिल आदमी कब मिस्टेक कर जाए आपको पता? भाई आप मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती है, अब मुझे आप कहिए कि हजरत लीजिए ये टेस्ट वाला गाड़ी है मुझे बिठा दो, तो मैं हो सकता है कि अगले गियर के बजाय पिछला डाल रहा हूँ। अब पीछे लोग खड़े थे इस ख्याल में कि गाड़ी आगे जाएगी पीछे थोड़ी आएगी, तो टक्कर लगेगी कि नहीं? अरे बोलो भाई, चचा समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही? मैं बिल्कुल देहाती समाज में बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरी पैदाइश में गाँव की है, समझ गया ना? मैं भी मेड़ जानता हूँ, खुरपा भी जानता हूँ, खुरपी भी जानता हूँ, हैरो भी जानता हूँ, कंटीमीटर भी जानता हूँ, कंप्लेन भी जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मैं आप ही की जबान में बात कर रहा हूँ। इसलिए किसी सहाबी के खिलाफ कभी बकवास मत कीजिएगा, और आप याद रखिएगा आप अगर किसी सहाबी के खिलाफ बोल गए तो सहाबी पर क्या असर पड़ा? समझ में आ रही है बात आपके? भैया एक जगह बैठ जाइए, चक्कर बहुत लगा रहे हैं आप, तवज्जो फरमा रहे हैं ना, एक ही जगह खड़े हो जाइए, काय बार बार चक्कर लगा रहे हैं, अपकमिंग और आउटगोइंग का सिस्टम भी आपने चालू कर रखा है, तवज्जो फरमाइएगा। किसी सहाबी के खिलाफ भी आपने अगर बकवास कर दी, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, तो याद रखना सहाबी पे क्या फर्क पड़ा, सहाबी तो
को अपनी कब्र में मौज कर रहा है, उसको तो अल्लाह ने करम फरमाया है। आप कहेंगे वजह क्या है? मैंने कहा मेरे सरकार फरमाते हैं, माँ मेरा हद मेरा साबी यमू तो परहेजगारी है, उसे पाक वलियों के सरदार है, कुतुबुल मदार को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मकाम और मनसब अता किया है, लेकिन इन दोनों ने सरकार को जाहिरी आंखों से देखा नहीं है, तो जिसने देख लिया है उसके मर्तबे तक उसका मर्तबा कभी पहुंच ही नहीं सकता जिसने नहीं देखा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा भैया, सुनिए कितनी चीजों का नाम है, जल्दी बोलो दो। कौन कौन सी? मुस्तफा के सहाबा शरी, सारे सहाबा, सारे सहाबा। सोशल मीडिया पे बहुत से शैतान बैठे हुए हैं, हम लोगों की शक्ल से भी कुछ शैतान होते हैं। कुरान ने कहा ना अल्लाह वस्वसा फी सुदूर الناس من الجنة والنار, दाढ़ी टोपी होगी होगी, तीन तीन मंजिला लगा के आते हैं, पूरा ऐसा लगता है जैसे कुतुब मीनार बन गया है, और हाल इतना बुरा होता है कि पता ही नहीं होता है कि मुनाजरा का माना क्या है, और ये पता नहीं होता है कि साहबी रसूल एक तो जानी उसमें पढ़ा लिखा था, वो कह रहा है मैंने उससे पूछा भाई तो अमीर माविया को मुनाफिक मानता है, बोले हाँ, मैंने कहा मुनाफिक किस माना में मानता है, तो मुझसे कह रहा है तुम बताओ, मैंने कहा वाह, हम तो साहबी को मुनाफिक मानते ही नहीं है, तो हम क्यों बताएं, तेरे घंटे अकीदे की तर्जमानी हम करेंगे, प्रेजेंटेशन हम करेंगे, अरे अकीदा तेरा है हम क्यों प्रेजेंटेशन करेंगे, हमारा अकीदा ये अमीर माविया कल भी साहबी थे, आज भी साहबी है, और कयामत तक साहबी रहेंगे, हमसे साहबियत की डिफिनेशन पूछ ले, हमसे परिभाषा पूछ रहे, हम उसको डिफाइन कर देंगे, उसकी तारीफ बता देंगे, ये अकीदा तेरा है। बहुत देर तक टाल मटोल करता रहा, कुछ समझ में ही नहीं आया, बोले नहीं आप फिर सवाल करेंगे, मैंने कहा सवाल तो हम 10 बार करेंगे, जब तू सहाबी के खिलाफ बकवास करेगा तो 10 बार सवाल करेंगे, पता क्या है, हाजिर तक समझ में नहीं आया, फिर हमारे एक बंदे ने बताया कि निफाक की दो किस्में होती, एक अमल मुनाफिक अमल में होता है, एक अकीदे में होता है, तो बदबخت कह रहा है मैं दोनों मानता हूं, बोलो माज़ अल्लाह, बोलो माज़ अल्लाह। और आप जानते हैं जिस किसी को आपने अगर मुनाफिक फिर अकीदा कह दिया तो उसका मतलब आपने काफिर कह दिया, और सहाबी को काफिर कहने वाला माज़ अल्लाह कभी मुसलमान हो नहीं सकता। समझ गए मेरी बात को भैया? इंशाअल्लाह रहमान सारी बातों पे अमल करेंगे और घरों का माहौल ठीक करेंगे, टीवीयां देखोगे बिल्कुल छोड़ दो, देखो अगर अपनी बच्चियों को सुधारना चाहते हो मोबाइल पे अगर दिया है कि हमको जरूरत के लिए देना हो तो छोटा मोबाइल हो, कोई जरूरी नहीं है। ये जो ऑनलाइन और ऑनलाइन कोचिंग कर रही है, ऑनलाइन कोचिंग कर रही है, इस ऑनलाइन पे और बर्बाद की, लॉकडाउन के बाद देखिए आप कितने बुरे हाल है बच्चे, अरे बोलो है कि नहीं है, समझ गए जो भी है, लेकिन आदमी अगर चाहे ना तो बुराई से बचा सकता है, घर में कुआं भी होता है लेकिन लोग गिरते नहीं रहते, क्यों? इसलिए कि आदमी को पता होता है कि किस खर्चे में कुआं, आपने अगर बड़ा मोबाइल में दिया है पर बिना जरूरत तो आप अगर निगेबारी करें तभी बच्चे बच सकते हैं, खौफ रखिए उनके अंदर, और उनको ये समझाइए कि बेटा मजहब इस्लाम के अलावा कोई मजहब तुम्हें आखिरत में काम आने वाला नहीं है। कुरान कहता है दूसरे पारे की आयत है, तुम में से जो इस्लाम कबूल करने के बाद फिर इस्लाम से फिरा कुफर में मरा उसके अमल बर्बाद, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, और भैया 60 साल की जिंदगी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन आखिर की जिंदगी तो ऐसी है कि अल्लाह मौत को भी
ज़बा करके और फरमाएगा अब जन्नत ही जन्नत में रहे, जहन्नम ही जहन्नम में रहे। किसी ने अगर किसी के प्यार में अपना मजहब इस्लाम छोड़ा है, खुदा ना करे, याद रखना वो कभी जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी, हमेशा जहन्नमी के अंदर रहेगी और उसको कभी भी जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। ये जो कहा जाता है कि अच्छे आमाल, नहीं, आमाल की बुनियाद पर जन्नत मिलेगी अल्लाह ताला अता फरमाएगा, लेकिन अमल के साथ ईमान भी जरूरी है ना। अकीदा बचा के लेके जाओ और आला हजरत की ज़बान में कहो, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी चाँद लेके चले, खाक होकर इश्क ने आराम से सोना मिला, जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी सलाम के बाद तबर्रुकात भी हैं और तबर्रुकात जो होते हैं उनके दीदार करते वक्त जो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फरमाता है। समझिए तो आप बड़ी संजीदगी से अदब रहना चाहिए, हाथ मत लगाइएगा, सिर्फ देख देख के तबर्रुकात को गुजर जाइए, इंशाल्लाह उसकी बरकतें मिलेंगी। पहले एक दूसरे शेर शराब को पढ़ें उसके बाद तबर्रुकात। मुस्तफा जाने रहमत तेरा कौन सलाम शमे बसमे हिदायत तेरा शहर यार जो मैंने नसीहत की बातें तक पहुँचाई है बोला इनके जोरों दिमाग में उठा दे हमारे बच्चियों को इस्लामी कपड़े इस्लामी माहौल में हमारे भाइयों को और नौजवानों को और इसी में बहुत नसीब करवा मुझे और हम सबको मतलब ये सुनना जिसको पहचान के लिए मकसद जिंदगी पसंद करवा और उसी पर हम सबको बहुत नसीब करवा। जितने भाइयों ने मिलकर जिससे बात को सुनाया है जो सुनने आए मौला सबके घरों में सारे मंजूर करवा हमने जो बीमार है मौला उनको शिफा अता करवा मौला मुझे भी शिफा अता करवा नबी करीम अलैहिस्सलाम के वसीले से मौला देर तक हम सबको दीन और सुन्नत के काम करने की तौफीक अता करवा। अभी साइड कर दूंगा अंदर में ये वाले यहां पे ये वाले ये तो बोलता है ये यहां पे हां ठीक है।
कुछ भी नहीं सरकार के ये वाला थोड़ा सा लाइटिंग पड़ रही है ना लाइट साइड से किस तरह करनी चाहिए कौन सी लाइट जो ग्यारह करना